24 फरवरी को बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार श्रीदेवी हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। दुबई में बाथटब में डूबने से उनकी मौत हो गई। उनके जाने से दुनिया भर में उनके चाहने वालों को सदमा लगा है। वहीं खबरों की माने तो श्रीदेवी ने निधन से 15-20 दिन पहले एक्ट्रेस रानी मुखर्जी से बात की थी। श्रीदेवी रानी मुखर्जी की फिल्म हिचकी देखना चाहती थी। उन्हें फिल्म का ट्रेलर बहुत पसंद आया था। रानी ने कहा कि श्रीदेवी का जब फोन आया तब वो बहुत एक्साइटेड थी। वे जल्द से जल्द मेरी फिल्म देखने की इच्छुक थी, जिसके जवाब में रानी ने श्रीदेवी को कहा था कि फिल्म अभी पूरी तरह बन के तैयार नहीं हुई है और जब वो दुबई से शादी अटेंड कर वापस आएंगी तो वो उन्हें फिल्म दिखाएंगी। श्रीदेवी के निधन से रानी मुखर्जी को गहरा धक्का लगा है। श्रीदेवी उनके लिए परिवार के सदस्य की तरह थी। दोनों एक्ट्रेस के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। रानी को अफसोस है कि श्रीदेवी उनकी फिल्म नहीं देख पाई। वैसे वेचन एक्ट्रेस की बेटी जानवी के बॉलीवुड डेब्यू को देखने का सपना भी पूरा नहीं हो पाया। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए NMF न्यूज़।